हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों के घर में भी नवरात्रि की तैयारी जोरों शोरों से हो रही होगी। हम लोगों की भी तैयारी शुरू है ना गन्नू? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग मार्केट से आए, हम पूजा गए थे पूजा की सामान को लेने। नवरात्रि में जो जो लगता है ना, वो सारा सामान जो नहीं था वो लेना था। तो हर साल नवरात्रि का 9 दिन का फास्ट करते हैं और जितना हो सकता है माता रानी की सेवा करते हैं। तो उसके लिए जो जो घर में था वो तो था, जो नहीं था वो सब लेके आए हैं। और 2 दिन पूरा निकल गया बर्थडे के बाद ना, साफ सफाई में ही पूरा टाइम निकल गया। किचन की क्लीनिंग करना, घर की सफाई करना, सारे मतलब डीपली क्लीनिंग करना था, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रहने, अखंड ज्योत जलती है, तो साफ सफाई में बहुत टाइम लगता है। तो वीडियो अच्छा कंधे से हाथ हटा ले, तो साफ सफाई में पूरा टाइम निकल जा रहा था, इसलिए कोई ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर रहे थे। तो हम बोले चलो अभी आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे देते हैं कि कल से तो नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल कलश स्थापना है, तो टाइम से वो सब भी करना है। अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा डेकोरेशन, जैसा कि हर साल करते हैं, और इस बार थोड़ा चेंज करने का सोचे हैं। देखिए कितना हो पाता है कितना नहीं, जो होगा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। और सब कुछ लेके आए हैं जो जो होता है, माता की चुन्नी, कलश, पूजा के सारे सामग्री और मूर्ति सब कुछ लेके आए हैं। और जब तक हम लोग गए हुए थे मार्केट ना, तब तक गन्नू और मुनमुन दोनों मिलके वीडियो बनाए हैं, वो अभी आप लोग देखिएगा और एंजॉय करिएगा। इन लोगों की मस्ती होती है हम लोगों के जाने के बाद, है ना गन्नू? क्या करते हो तुम और जीजी? वीडियो बनाते हैं भूत वाली भूत वाली वीडियो बनाते हैं। डरता कौन है? हाँ जी, वो हमको पता था वो जीजी थी। हाँ पता था कि जिज्जी थी, फिर भी डरते। ये बहुत प्यार से अपनी बहन को जिज्जी बोलता है, मतलब मुनमुन को जिज्जी बोलता है। हमारे इधर मतलब बड़ी बहन हो छोटी बहन हो, मतलब बहन को बहन भी वो जो बोलना हो बोलते, लेकिन जिज्जी भी बोला जाता। तो शुरू से मतलब हमको एक शौक था कि मुनमुन को ये जिज्जी बोले, तो इसीलिए वो जिज्जी बोलता है और हमको हमेशा से माँ बोलता है। क्या बोलते हो? माँ। बहुत प्यार से माँ बोलता है। आप लोगों से कई बार हम बता चुके हैं कि गन्नू बहुत प्यार से माँ बोलता है, और जब वो माँ बोलता है ना तो बिल्कुल मन खुश हो जाता है। और इसको कोई भी डांटता है कुछ करता है तो ये आके मेरे पास चिपक जाएगा, माँ बचा लो मुझे, माँ बचा लो मुझे, है ना? गन्नू किसका बेटा है? तो गन्नू है, बहुत अच्छा लगता है। पूरा टाइम कब निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ जाते हैं कल आते हैं। इसके मतलब इसके माइंड में पूजा सेट करके रखी है कि हम लोग जा रहे हैं नानी नाना के घर 1 मंथ के लिए, उसके बाद आएंगे। तो जब भी होता है तो ये बोलता है हम लोग 1 मंथ के लिए आए ना, 1 मंथ के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे, है ना गन्नू? 1 मंथ के बाद। तो 1 मंथ अभी कहाँ हुए हैं? कल आएंगे। कल चले जाओगे? अरे कल जाएंगे तो कल फिर आएंगे। हाँ कल जाएंगे तो कल फिर आएंगे। तो माँ तो रोती है ना, तुम जाते तो कल फिर आएंगे, तो मत जाओ ना, कल फिर आएंगे। लेकिन जाओगे? जाएंगे और कल वापस आएंगे। हाँ गन्नू के बाल भी कटवाने हैं ना, माँ काटेगी ना, कटिंग कर देंगे। यहाँ कहाँ कहाँ से कटिंग करेंगे? यहाँ से और यहाँ से। हेयर कटिंग ये बिल्कुल नहीं करवाना चाहता है, इसको बहुत डर लगता है, क्योंकि पापा इसके एक बार क्या किए थे, पूजा बता रही थी कि सैलून ले जाके, गर्मी का टाइम था, इसके फेस पे बाल आ रहे थे तो पूरा बाल कटवा दिए थे। तो उस टाइम से ये डर गया है कि मतलब कोई भी कटिंग के लिए बोलता है ना, तो इसको लगता है कि मेरे पूरे बाल उड़ा दिए जाएंगे, इसलिए ये नहीं कटवाना चाहता है। तो आज इसको हम बहुत अच्छे से समझाए कि नहीं बेटा कोई नहीं कट करेगा, माँ इसकी कट करेगी यहाँ यहाँ से। तो ये तैयार हुआ। कहाँ कहाँ से कट करेंगे बाल? करवाओगे ना कटिंग, हेयर कटिंग करवाओगे ना? अब तो कल से घर पे करवाएंगे। हाँ हाँ घर पे। अब तो कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो कटिंग वगैरह तो नहीं करेंगे, नवरात्रि के बाद इसकी कटिंग करेंगे। अभी नवरात्रि तक ये लोग हैं, उसके बाद ही गन्नू मेरा जाएगा। और जब चला जाता है तो घर बहुत सुना सुना लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसके रहने से रौनक रहती है पूरी, है ना गन्नू? तो चलिए आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है आप लोग भी बताइएगा। और मेरा तो 9 दिन का फास्ट रहने वाला है, कल से पूजा का भी रहेगा, और बाकी और कोई नहीं करेगा। मुनमुन हर बार जिद करती है लेकिन उसको नहीं करने देते हैं, क्योंकि अभी छोटी है, वैसे ही वो इतनी कमजोर है, अभी व्रत रहेगी तो और फिर कमजोर हो जाएगी। और वैसे भी इस साल मलमास लगा है तो कोई भी नया काम करना नहीं है, तो व्रत रहने नहीं देंगे। तो कल से आप लोगों को देखने को मिलेंगे नवरात्रि के 9 दिन के पूजा पाठ सब कुछ,
और माता के दर्शन करने को मिलेंगे हमारे घर में जो माता आई हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में माता रानी का आगमन होता है ना, तो पूरे घर की एक रौनक सी बदल जाती है, बहुत अच्छा फील होता है और मन भी एकदम खुश खुश सा रहता है। तो अभी से बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं कि कल से नवरात्रि है और कल से तो बहुत अच्छा लगना ही है। तो आप लोगों के साथ हर दिन पूरी 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 कोशिश करेंगे कि 9 दिन एकदम रेगुलर आप लोगों को ब्लॉग्स देखने को मिले, और ब्लॉग में आपको पूजा पाठ ही देखने को मिलेगा, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या भोग बना रहे हैं, कैसे माता की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, है ना गन्नू? और क्या करेंगे? सब्सक्राइब। और तेज से बोलो, सब्सक्राइब। और क्या करना है साथ में? लाइक दबाना। हाँ, और साथ में लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बिल्कुल मत करने के भूलना। हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। हम जब भी कैमरा और ट्राइपॉड लेके सामने बैठते हैं ना, तो ये बिल्कुल से आ जाता, माँ माँ हम भी वीडियो बनवाएंगे, हम भी वीडियो बनवाएंगे, इस चक्कर में रह जाता। अभी भी हम जैसे आए, सारे लोग बाहर जाके पोर्च पे बैठे, ये मेरे पास आके बैठा कि माँ हम आपके साथ वीडियो बनवाएंगे। तो मेरा लाडला है, माँ का लाडला, माँ का लाडला, माँ का लाडला, है ना, है ना। तो चलिए, अब आप इन लोगों की मस्ती, आप लोग इन लोगों की मस्ती देखिए, गन्नू और मुनमुन की मस्ती। उसके बाद थोड़ी बहुत आपको क्या क्या काम बहुत था, किचन की पूरी डीप क्लीनिंग कल हम लोग किए, बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए, वो सब धुले, साफ किए, मतलब बहुत सारा काम था। काम करते करते हालत बिल्कुल पंचर थी, लेकिन अभी पूरे जोश के साथ कल के नवरात्रि के स्थापना की, जो कलश स्थापना की है, उसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नए ब्लॉग में, और इन लोगों की मस्ती एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो ये देखिए, किचन की पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। क्लीनिंग रूटीन नहीं दिखाया क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और टाइम कम था, तो इसलिए नहीं दिखा पाया। और ये देखिए, डाइनिंग टेबल का जो ऊपर का कवर था वो हटाया, और ये पता नहीं कैसे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, क्या करें, अब आ गया तो आ गया। बाकी तो क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से हो गई है, जितने बर्तन थे वो भी सब अच्छे से धुले, साफ किए सारे, मतलब रैक वगैरह अच्छे से क्लीन किए, जितने भी डिब्बे थे, मतलब डीपली क्लीनिंग किचन की पूरी की है, क्योंकि नवरात्रि का जो 9 दिन होता है उसमें बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिए, पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया, पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। रेगुलर क्लीनिंग तो होती है, लेकिन जब इस तरह से पूजा पाठ रहता है ना, तो डीपली क्लीनिंग होती ही होती है। अब इसके बाद फिर दिवाली में डीपली क्लीनिंग होगी। और यहाँ पे एक फैन था हमारे पास, तो वो यहाँ पे लगवा लिए हैं, क्योंकि जब इस कॉर्नर में ये चूल्हा, गैस चूल्हा सेट किए ना, तो थोड़ी गर्मी लगती है, तो यहाँ पे ये लगवा लिए हैं। और हाइट ऊंची रखें ताकि गैस के फ्लेम, मतलब जो फ्लेम है उस पे हवा ना आए, सिर्फ फेस पे आए। तो इस तरीके से ये पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया। और ये देखिए, इतने सारे कपड़े धुले हैं जिनको तह लगा के रखा गया, अब इनको कल सब जो मतलब इनकी जगह है वहाँ पे रखना होगा। अभी रात हो गई है इसलिए अभी ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और ब्लैंकेट वगैरह भी थे जो रेगुलर यूज होते हैं, तो वो भी क्लीन हो गए हैं। और ये है पूजा का सारा सामान, जिसको इस तरह से स्टूल के ऊपर रखे हैं, बाद में इसको नवरात्रि के पहले दिन जब होगा तो अच्छे से सब लगाएंगे। हेलो दोस्तों, अभी हम ग्रैनी के घर में, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, पर हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं ग्रैनी के घर से? ग्रैनी हमारे घर में आ गए, हमारे मम्मी पापा, हमारे मम्मा गई, मम्मी गई शॉपिंग करने गए हैं, माँ हमें ग्रैनी से बचना पड़ेगा, नहीं तो हमें ग्रैनी खा जाएगी। हाँ चलो, चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए, हमें आज रात को अपनी है तो इसकी आज रात की है अपनी कार इसकी जीत जाएगी मेन गेट से, और मैं जाऊँगा कार से। जब जीत बाहर निकलेगी मेन गेट से, और मैं कार खड़े करके रखूंगा। अच्छा सुनो 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 विक्रम, आपको पता है ना ग्रैनी के घर गैराज के अंदर ना, जो गैराज खुलता है ना बेल लॉक की से, तो ना उसमें जो दीवार होती है, हमें कार को चलाकर उसको ठोकना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स, हम लोगों के घर में एक जादूगरनी घुस गई है। हम लोगों को उससे उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको भगाना पड़ेगा, भगाना। वो झाड़ू सूट के आती है, हमें डराती है जो जादूगरनी। आज आप सब देखना अपने फोन में वो यूट्यूब वीडियो डाला है, वो फूक के आएगी, उड़ते हुए आएगी भाग के झाड़ू से। बहुत डर लग रहा, मैं वही तो साथ करने वाला। दोस्तों, मैं सोने जा रहा हूँ, आप देखिएगा जादूगरनी आएगी। आज विक्रम को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं अपनी जादुई झाड़ू से विक्रम को नहीं छोड़ूंगी। So, कैसा लगा आपको हमारा ये जादूगरनी वाला नाटक? वो छोटे भीम में आती है और मैं नकली वाली जादूगरनी हूँ। So, विक्रम ने मेरी बहुत पिटाई की है, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी इसके घर में। So,